ये सिर्फ लस्सी का एक ग्लास लेने के लिए ये आवाम खड़ी है। 5 बजे के आप खड़े हैं और इस टाइम तकरीबन 7 बज रहे हैं। ये 2 घंटे से सिर्फ लस्सी की लाइन में लगे हैं और अभी आप लाइन चेक करें जी। ये इतनी मजेदार लस्सी है, इसका नशा है। सो गाइस, ये आप लाइन चेक करें इनकी। ये लाइन दूर तक, यहाँ पे जहाँ तक मेरी निगाह जा रही है वहां तक ये लाइन सारी है। ये जी लस्सी इनकी तैयार हो रही है, फुल गाड़ी लस्सी खालिस नहीं है। आप इनकी मशहूर होने का अंदाजा इनकी लंबी लाइन से लगा सकते हैं। 1 घंटे में इनको मिली है लस्सी जी। आप हैं कहाँ से वैसे? 45 मिनट में लस्सी लेने के लिए सिफारिश लड़ानी पड़ेगी इधर। हाँ जी ताया, वो इधर थाने में होते हैं ना, तो बस सिफारिश चलाई है बस। बात है जी, ऐसी सिफारिशें हमारे पास भी यार होनी चाहिए वैसे, जो 45 मिनट में लस्सी हमें मिल जाए। अस्सलामुअलैकुम जी, दिस इज़ आसिम, ट्रिप टॉक बाय आसिम के एक और एपिसोड में मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। गाइस, आज हम जिस जगह पे मौजूद हैं, अगर आप लाहौर के शहरी हैं या अगर आप लाहौर में किसी भी काम से आए हैं, तो अगर आपने यहाँ की लस्सी टेस्ट नहीं की तो आपने अपने टेस्ट के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। बड़े बड़े शहरों से लोग सिर्फ इनकी लस्सी टेस्ट करने आते हैं, तो आज हम भी विजिट कर रहे हैं यहाँ का, तो देखते हैं कि हमें ये लस्सी मिलती है कि नहीं। फिलहाल तो लाइन इतनी लंबी है कि मैं आपको क्या बताऊँ जी। रस चेक करें यहाँ पे आप लस्सी का। ये सिर्फ लस्सी का एक ग्लास लेने के लिए ये आवाम खड़ी है, और आवाम को आप देखें माशाल्लाह, लाइन आप चेक करें सर। सलाम अलैकुम जी। वालेकुम सलाम। कितने टाइम से लस्सी का ग्लास लेने के लिए खड़े हैं आप? सर सुबह तकरीबन 5 बजे के। 5 बजे के आप खड़े हैं और इस टाइम तकरीबन 7 बज रहे हैं। ये 2 घंटे से सिर्फ लस्सी की लाइन में लगे हैं और अभी आप लाइन चेक करें जी। ये सर लस्सी की लाइन लगी है, तो सर कब तक उम्मीद है वैसे लस्सी मिलने की? सर हमारा बंदा कोई अब आ गया, ये पीछे को पीछे आ गया हमारा बंदा, 5 बंदा रह गया, 2 घंटे हो गए वेट करते हुए। और ये इतनी मजेदार लस्सी है, इसका नशा है। आप कहाँ से? लाहौर से ही हैं? हाँ जी लाहौर से हैं, लाहौर मार्टन से हैं। मॉडल टाउन से जी ये टेक्साली गेट की तरफ आए हैं। बड़ी बड़ी दूर से लोग सिर्फ यहाँ पे इनकी लस्सी पीने के लिए आए हैं, तो देखते हैं कि और कहाँ कहाँ से दुनिया यहाँ पे आई हुई है। सो गाइस, ये आप लाइन चेक करें इनकी। ये लाइन दूर तक, यहाँ पे जहाँ तक मेरी निगाह जा रही है वहाँ तक ये लाइन सारी है। सर पता नहीं कि ये आवाम कब से आई है, लोग 3-3 घंटे से सिर्फ लस्सी का वेट कर रहे हैं, और लाइन आप चेक करें कहाँ तक लाइन लगी हुई है। और अभी हम देखते हैं कि सर हमें यहाँ पे कितने देर में लस्सी मिलती है। ये सिर्फ एक लस्सी का ग्लास लेने के लिए यहाँ पे दुनिया 3-3 घंटे से लाइन बना के खड़ी है। जी लोगों को यहाँ पे 2-2 घंटे लाइन में लगना पड़ रहा है, उसके बाद जाके इनको लस्सी मिली है। अभी फिलहाल हम देखते हैं कि हमें कितनी देर बाद ये लस्सी प्रोवाइड करते हैं। ये जी यहाँ पे जेदे का रश देखें जी, जेदा लस्सी वाला। अगर आप लाहौर में हैं या लाहौर के बाहर की हैं, तो एक दफ़ा अपनी ज़ुबान को इनका टेस्ट, अपने मुंह को इनका टेस्ट ज़रूर देना, आपको डेफिनेटली बहुत मज़ा आने वाला है यार इनकी लस्सी पी के। ये जी खालिस दही है इनका, खालिस दही, इसमें कोई किसी तरह की मिलावट नहीं है। आप इनकी इनके खालिसपन का अंदाज़ा आप इनके रश से ही लगा लें। ये दूर तक सिर्फ इनका एक ग्लास लस्सी लेने के लिए दुनिया खड़ी है यहाँ पे, और ये खालिस दही की लस्सी, बड़ी लस्सी। उफ़ यार, मेरे तो देख के रहा नहीं जा रहा, लेकिन अभी पता नहीं हमें ग्लास कब तक मिले। ये सर जेदे साहब का बेटा, जो यहाँ पे जेदा लस्सी वालों के बाद उनका बेटा यहाँ पे ये सारी शॉप संभालते हैं। जबरदस्त जी, ये जी लस्सी इनकी तैयार हो रही है, फुल गाड़ी लस्सी खालिस दही में तैयार हुई हुई लस्सी है इनकी है। क्या बात है जी, क्या बात है, मेरे तो मैं यार अभी से पानी आ रहा है। मैं बड़ी दूर से, मैं खुद इनकी लस्सी, ये टेक्साली में है जी इनकी लस्सी, जेदा लस्सी वाले के नाम से टेक्साली में ये बहुत मशहूर है। आप इनकी मशहूर होने का अंदाज़ा इनकी लंबी लाइन से लगा सकते हैं, बहुत लंबी लाइन है यार, बहुत रश है इनकी लस्सी का सिर्फ ये लस्सी पीने के लिए। हम देखते हैं कि हमारी बारी कितनी देर बाद आती है जी। सर क्या चक्कर है, टोकन लेना पड़ेगा पहले? कहाँ से मिलेगा टोकन? ये जी फिलहाल इस तरह एक कुंडा इनका खत्म हो गया लस्सी का, और इस तरह के कई कुंडे इनके रोज सिर्फ 2-3 घंटों में खत्म होते हैं। भाई खालिस दही की मिलाई जी गिलासों में जा रही है, और उसके बाद ये गिलास वहां पे तैयार हो रहे हैं जिसमें ये लस्सी डाली जाएगी। क्या बात है जी, क्या बात है।
ये जी यहाँ पे अभी टोकन के इंतजार में हम खड़े हैं और ये जेदा भाई साहब देखते हैं हम कितनी देर बाद टोकन देते हैं। क्या बात है जी, क्या बात है यार, बहुत मजा आने वाला है बॉस। सर ये है लाहौर की शान, ये लाहौर की पहचान, ये है लाहौरियों का देसी नाश्ता, खालिस नाश्ता जो कि सिर्फ आपको लाहौर अंदरून में मिल सकता है। ऐसी लस्सी आपको मेरा नहीं ख्याल कि पूरे पाकिस्तान में कहीं और मिल सकती है। कि आवाम पैसे हाथ में लेके खड़ी है लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं है कि जी हम पैसे लेके गले में डाल सकें सिर्फ टोकन देने के लिए, और भी टोकन लेने का प्रोसेस के बाद बहुत लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, फिर जाके आपको आपकी बारी पे आपके टोकन नंबर पे ग्लास दिया जाएगा। ये कुछ लोग छुप के यहाँ पे बैठे हैं, सिर्फ लस्सी का ग्लास इनको मिल गया, वो गनीमत समझ के यहाँ पे साइड पे बैठ के लस्सी पी रहे हैं। इनसे पूछते हैं इनको कितनी देर बाद मिली है? एक घंटे में इनको मिली है लस्सी। जी आप हैं कहाँ से वैसे? टाइम बाग से। टाइम बाग लाहौर के ही हैं आप? चलें जी, इनको एक घंटे बाद मिली है। कई लोग यहाँ पे लाहौर से बाहर से भी आए हुए हैं। जी ये एक भाई है, इनको फाइनली ये लस्सी का ग्लास मिल चुका है, तो इनसे पूछते हैं कितनी देर इंतजार करने के बाद ये लस्सी इन्हें मिली है? 45 मिनट करीबन इंतजार करना पड़ा, जिसके बाद ये इतनी मेहनत से हमें लस्सी मिली है। 45 मिनट, कई लोगों को इधर 2-2 घंटे हो गए और अभी तक इनको लस्सी का ग्लास नहीं मिल सका। यार बड़ी बात, आपको 45 मिनट में मिल गई है ये? सिफारिश चलाई है, चाचू के दोस्त है इसलिए 45 मिनट में, आम बंदे के लिए 2 घंटे कम अज कम। 45 मिनट में लस्सी लेने के लिए सिफारिश लड़ानी पड़ेगी इधर? हाँ जी, ताया वो इधर थाने में होते हैं ना, तो बस सिफारिश चलाई है बस। बात है जी, ऐसी सिफारिशें हमारे पास भी यार होनी चाहिए वैसे, जो 45 मिनट में लस्सी हमें मिल जाए। और उसके बाद ये आवाम देखें जी, ये लस्सी पी के वापस जा रही है। बहुत रश है यार, बहुत रश है सर जी। कुछ को 45 मिनट बाद मिली है, कोई 2-2 घंटे बाद यहाँ पे लाइन में लगे हैं, 45 मिनट बाद भी उनको मिली है जिनकी सिफारिश है बहुत करीबी, ये वो 45 मिनट वाले हैं, और इसके अलावा बाकी सारे घंटे 2 घंटे वाले ही हैं। ये जी फाइनली हमारी लस्सी, हमें तकरीबन को 1.5 घंटा इंतजार करने के बाद लस्सी मिल चुकी है, और हमारे दोस्तों की भी लस्सी आ चुकी है। क्या बात है जी, ताज़ी मिलाई ऊपर खालिस दही की लस्सी। सो गाइस अभी हम अपनी लस्सी का ग्लास लेके साइड पे आ चुके हैं, बहुत रश था यार वहाँ पे, तो खड़े होने की भी जगह नहीं मिली। अभी हम साइड पे आ चुके हैं अपनी लस्सी का ग्लास लेके और अभी हम ये पीने लगे हैं। हमें तो बहुत टेस्टी लगी है, बाकी आप भी यहाँ की लस्सी लाजमी पिए और टेस्ट करके बताना कि यार मेरी रिकमेंडेशन सही थी कि नहीं। अभी हम लस्सी इंजॉय करते हैं और आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज आप तक पहुँचते रहें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।